कल खैरागढ़ जा रहा हूँ मैं भी। क्या सभा होगी? नहीं, पहले तो कार्यकर्ताओं की बैठक होगी। दो जगह बैठक मैंने कहा है कि छुई खदान और खैरागढ़ में दो जगह बैठक आयोजित कर लेंगे। उसके बाद फिर जैसे कार्यक्रम मनाएगी पार्टी, उसके हिसाब से दौरा हो जाएगी। कितने आश्वासन जीत को लेकर के क्या रिजल्ट क्या रहेगा? देखिए, मेहनत हम लोग कर रहे हैं और हमको पूरा विश्वास है कि खैरागढ़ की जनता कांग्रेस को आशीर्वाद देगी। लोगों से मुलाकात करनी है और हमारे जो कार्यक्रम हैं उसका भी निरीक्षण करेंगे। जनप्रतिनिधियों से मुलाकात होगी, पार्टी पदाधिकारियों से मुलाकात होगी और अधिकारियों के साथ बैठक भी होगी। कौन पार्टी किसको कहाँ से भेजते हैं वो उस पार्टी का निर्णय है, उसके बारे में मुझे क्यों कुछ कहना चाहिए। इसका मतलब ये है कि अब दूध की मक्खी तरह निकाल के उसको फेंक दिया गया है। सुरेंद्र सिंह जी आती हैं, यहाँ के प्रदेश के नेताओं को बैठक में नहीं बुलाती, बस्तर लगातार दौरा कर रहे हैं, कोई प्रदेश के नेता उपस्थित नहीं होते, यहाँ भी बैठकें होती है उसमें अनदेखा किया जाता है। लगातार जो इनके भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के नेता हैं उसकी उपेक्षा हो रही है, मैं नहीं समझता कि उचित है। लगातार 5 राज्य के चुनाव तक के ही पेट्रोल डीजल और गैस की कीमतों में वृद्धि नहीं हुई थी, लेकिन जैसे ही 5 राज्यों के चुनाव हुए पेट्रोल डीजल LPG CNG सब में भारी वृद्धि हो रही है और रोज़ उसकी बढ़ोतरी हो रही है, जबकि इंटरनेशनल क्रूड ऑयल की कीमत में कमी आई है, तो फिर अब वृद्धि क्यों हो रही है, एक बड़ा सवाल। पूरे प्रदेश में हम लोग इस प्रकार से जो जितने भी हम शिकायत मिली, किसी का नामांतरण है, बंटवारा है, बिजली नहीं लग रहा है, राशन कार्ड नहीं बन रहा है, बहुत सारी परेशानी होती है और जिसके कारण से दफ्तरों में वो चक्कर लगाते हैं उसके बाद भी नहीं कर रहे हैं, तो इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसके लिए ये व्यवस्था की जा रही है ताकि लोगों को सुविधा मिले और समय सीमा पर सबकी समय सीमा है, कितने दिन में नामांतरण होना, कितने दिन में बंटवारा होना, कितने दिन में समांगन होना, कितने दिन में वो जो नागरिक सुविधा जो मिलनी चाहिए, चाहे शहर हो चाहे गांव, वो उसके हिसाब से काम होना चाहिए। साथ ही ऊर्जा विभाग जो उनकी समीक्षा की गई, पहले गृह विभाग का लिए थे और आज कृषि विभाग, खासकर गौठान और रूरल इंडस्ट्रियल पार्क, और इसमें रूरल इंडस्ट्रियल पार्क में पहले भी 600 करोड़ का हमने बजट का प्रावधान किया है, इस प्रकार से लागू की जाए। गोबर खरीदी हम लोग कर रहे हैं, गौमूत्र खरीदने का भी निर्णय लिया, उसमें भी विस्तार से चर्चा अधिकारियों से, 15 दिन में रिपोर्ट देने ले कहा गया है, तो दोनों विभाग बिजली में भी बहुत सारे सुधार हमको करने हैं, उस मामले में भी विस्तार से चर्चा हुई।